नए साल के मौके पर जश्न में बेचे जाने वाले 27 लाख रुपए की नशीली पदार्थ संग 4 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में नए साल की शुरुआत होगी और ठाणे शहर में जगह जगह पर नए साल के मौके पर जश्न मनाने की तैयारी शुरू की गई है। इसी के चलते ठाणे में बेचे जाने के लिए करीब 27 लाख रुपए के नशीली पदार्थ लाया गया था और इस मामले में 4 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 27 लाख रुपए की पुलिस ने कोकीन बरामद की है और इस पूरे मामले में 4 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी की है और तलाशी जो है लोगों की ली जा रही है और इसी दौरान पुलिस ने जाल बिछाकर 4 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में कोकीन बरामद की गई है जिसकी कुल कीमत 27 लाख रुपया बताई जा रही है। की तरफ से फिर एक बार जो ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया गया है, कितने मात्रा में जो है ड्रग इससे बरामद किया गया और क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्रिसमस वेकेशन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए थाना में कुछ पार्टियों का आयोजन होता है, इसमें अमली पदार्थ भी बेचे जाते हैं। इस तरह से हम लोगों को पता चला था और हमारे थाने के पुलिस आयुक्त सर ने यहाँ इस मामले में कड़क कार्रवाई करने का धोरण या नीति अवलंबन की है। इसके तहत हमको 24 दिसंबर को कुछ दिन नाइजीरियन यहाँ पे कोकीन और एमडी बेचते हुए हम लोगों ने पकड़े थे। उसमें उसके बाद उनका एक कॉडविन नाम का साथीदार यहाँ पे बेचता है, ये भी इनसे जानकारी इन्वेस्टिगेशन में मिली। उसके बाद हम लोगों ने गैडविन को भी कल पकड़ा है। उसके बाद से हम लोगों ने 16 ग्राम कोकीन हस्तगत किया है, उसको आज कोर्ट में पेश किया है। ये 39वर्ष जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उसमें अमली पदार्थ अगर चलता रहेगा, उसमें कुछ पार्टियों में चलता रहेगा तो उसके ऊपर पुलिस की कड़ी नज़र है, उस पर स्ट्रांग एक्शन ली जाएगी। उसे स्पष्ट डायरेक्शन हमारे पुलिस आयुक्त श्री जगजीत सिंह मिले हैं। तो सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं, बट अमली पदार्थ से दूर रहने की हम एक आह्वान हम लोग आपको करते हैं।